Assalamu alaikum ji, fundamental of physics, Halliday, resnick, walker ka 10th edition hai, chapter 41, conduction of electricity in a solid, problem 40, wo kehta hai, ideal p-n junction rectifier hai, sharp boundary hai between the semiconductor side, current relate kar raha hai, tool ke saath, wo kehta hai, aapke baad depend karta hai, material pe, I aur V pe nahi karta, reverse saturation current ke la raha hai, ye. Potential difference V hai, rectifier wo kehta hai, forward bias hai, negative agar back biased hai. तो वो कहता है वेरीफाई करो एक्सप्रेशन प्रेडिक्ट करो बिहेवियर ऑफ द जंक्शन रेक्टिफायर आई वर्सेस ग्राफ में 0 माइनस 0.12 से पॉजिटिव 0.12 तक टेंपरेचर 300 केल्विन है आई नॉट 5 नैनो एंपियर है इसी टेंपरेचर के लिए वो कहता है कि सेम टेंपरेचर पे दोबारा से कैलकुलेट करो रेशियो 0.5 वोल्ट जो फॉरवर्ड बायस पे होगी और 0.5 वोल्ट जो रिवर्स बायस पे होगी अब जनाब ग्राफिंग हम जानते हैं कि ये ग्राफ के जरिए हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई आपके पास प्लस 1-2 वोल्ट से नेगेटिव 1-2 वोल्ट का ये ग्राफ बनेगा आपके पास जैसे देखते हैं इसमें तो ना होने के बराबर है और इसमें ये आपके पास बैरियर को क्रॉस करने के बाद हो फिर अब हम रेशियो जानते हैं कि भाई फॉरवर्ड में प्लस लिख दिया रिवर्स में नेगेटिव लिख दिया इधर प्लस का वोल्टेज आ गया पोटेंशियल डिफरेंस इधर नेगेटिव का आ गया रेशियो उठा लेंगे तो इस सारे को सॉल्व करेंगे तो 2.5 टेन रेज पर 8 का जवाब आ जाएगा तो ये हमारे पास सॉल्यूशन है अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो डाउट हो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अब तक के लिए इतना ही बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे ओके अल्लाह हाफिज़